भगवान श्री राम के सभी भक्तों का सादर अभिनंदन। जय श्री सीताराम। आइए हम सब भगवान श्री राम की परम पावन मनोहारी और मंगलकारी कथा का श्रवण करें, जिसका वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य रामचरितमानस में किया है। श्री रामचरितमानस के 7 कांड हैं, जो इस प्रकार हैं: बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड तथा उत्तर कांड। सबसे पहले हम प्रथम कांड बाल कांड का श्रवण करेंगे, जिसका प्रारंभ गोस्वामी तुलसीदास जी श्री गणेश जी तथा माता सरस्वती जी की वंदना से करते हैं। वर्णानां वर्धसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रं सर्वत्र वन्द्यते सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वरं कपीश्वरौ उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभां यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सद्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा हेर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवां बोधे स्थितीर्षावतां वन्देऽहं तव शेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिं नानापुराणनिगमागम सम्मतं यत् रामायणे निगदितं क्वचिद् अन्यतो हि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्धमति मञ्जुल मातनोहि। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ग्रंथ आरंभ करने के लिए सबसे पहले श्री गणेश जी और माता सरस्वती की वंदना करते हुए कहते हैं कि जो समस्त वर्णों, अर्थ समूहों, रसों और छंदों के तथा सब प्रकार के मंगलों के कर्ता हैं, उन श्री गणेश जी और श्री सरस्वती जी को मैं प्रणाम करता हूँ। फिर मैं माता पार्वती और शंकर जी की वंदना करता हूँ, जो श्रद्धा और विश्वास की साक्षात मूर्ति हैं, जिनकी कृपा के बिना सिद्ध पुरुष भी अपने हृदय में स्थित ईश्वर को नहीं देख पाते। अब मैं अपने गुरुदेव की वंदना करता हूँ, जो गुरु नारायण ज्ञानमय नित्य अजर तथा अमर शंकर स्वरूप हैं, जिनके सहारे से टेढ़ा चंद्रमा भी सब स्थानों में वंदनीय होता है। इसी प्रकार यद्यपि यह मेरी रचना टेढ़ी हो सकती है, किंतु गुरुदेव का आश्रय पाने से सम्मानित होगी। फिर मैं उन आदि कवि महर्षि वाल्मीकि और कपीश्वर श्री हनुमान जी की वंदना करता हूँ, जो सर्वदा ही श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी के गुण ग्राम रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले अत्यंत शुद्ध निर्मल और ज्ञान घन है। फिर मैं उन जगत जननी श्री रामचंद्र जी की वल्लभा श्री सीता जी के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ, जो सीता जी संसार की उत्पत्ति स्थिति तथा संहार का कारण है और समस्त क्लेशों को दूर कर सब प्रकार के कल्याण को करने वाली हैं। फिर मैं उन श्री राम जैसे नाम से युक्त ईश्वर श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करता हूँ, जिनकी माया से समस्त जगत सहित ब्रह्मादिक देवता भी वशीभूत हो रहे हैं और जिनकी सत्ता से ही यह मिथ्या रूप जगत भी सत्य सा प्रतीत हो रहा है और ऐसे संसार सागर को पार करने के लिए जिनके चरण कमल ही नौका रूप हैं तथा जो समस्त कारणों से परे और दुख को हरने वाले हैं। जो सुमिरत सिद्धि होई गण नायक करि वर बदन करौ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन
मूक होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरि बर गहन जासु कृपा सुदयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन नील सरोरुह श्याम करुण अरुण बारिज नयन करउ सुमम उर धाम सदा क्षीर सागर शयन कुंद इंदु सम देह उमार मन करुणा अयन जाहि दीन पर नेह करउ कृपा मर्दन मयन बंदउ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। जिनका सुमिरन करने से सिद्धि प्राप्त होती है और जो बुद्धि के समूह व शुभ गुणों के धाम हैं तथा श्री महादेव जी के सभी गणों के नायक हैं जिनका मुख हाथी के समान श्रेष्ठ है वे श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। जिनकी कृपा से गूंगा मनुष्य भी बोलने वाला हो जाता है और पांवों से लंगड़ा मनुष्य भी ऊंची दुर्गम पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाता है वही कलिकाल के पापों का नाश करने वाले भगवान मुझ पर कृपा करें। जो नीले कमल के समान सांवले रंग वाले हैं जिनके लाल नेत्र नवीन खिले हुए कमल के समान हैं और जो सदा क्षीर सागर में निवास करते हैं वे श्री हरि विष्णु भगवान मेरे हृदय में अपना घर करें। जिनका शरीर कुंद नामक पुष्प और चंद्रमा के समान उज्जवल है जिनके दीनों पर अधिक दया रहती है और जो करुणा एवं दया के घर हैं वे पार्वती रमण महादेव जी मुझ पर कृपा करें। अब मैं गुरुदेव के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ जो कृपा के समुद्र हैं तथा मनुष्य रूप में साक्षात भगवान हैं जिनके वचन ही महामोह रूप अंधकार पटल का नाश करने के लिए सूर्य की अनेक किरणों के समूह है। बंदो गुरु पद पद्म परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा अमिय मूरी मय चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवारु सुकृति शंभु तन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति जनमन मंजु मुकुर मल हरनी किए तिलक गुण गन बस करनी श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती दलन मोह तम सोस प्रकाशु बड़े भाग उर आवई जासु उगरही विमल बिलोचन ही के मिटही दोष दुख भव रजनी के सूझहि राम चरित मनि मानिक गुपुत प्रगट जह जो जेहि खानिक जथा सुवंजन अंज दृग साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखत सैल बन भूतल भूरि निधान सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। फिर मैं गुरुदेव के चरण कमलों की उस रज को प्रणाम करता हूँ जिस धूल की कृपा से उत्तम इच्छाओं की वासना का सरस अनुराग उत्पन्न होता है तथा जो अमृतमय चूर्ण संसार के आवागमन सहित दुखों का नाश कर देता है जिस पुण्य रूपी धूली को श्री महादेव जी ने भी अपने शरीर में लगाया था जिससे वह धूली मन को हरने वाली मंगल और आनंद प्रदान करने वाली है जो मनुष्यों के मन रूपी शीशे के मैल का हरण करती है और जिसका तिलक करने से समस्त गुणों का समूह अपने आप ही वश में हो जाता है। गुरुदेव के चरणारविंदों के नखों में मणियों की सी वह ज्योति है जिसका ध्यान करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि यानी अद्भुत प्रकाश पैदा हो जाता है उस प्रकाश से मोह और अंधकार नष्ट हो जाते हैं परंतु वह प्रकाश बड़े भाग्य से हृदय में आता है जिस प्रकाश के आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दुख एवं दोष नष्ट हो जाते हैं फिर तो श्री राम जी की मणिमाणिक रूपी गुप्त और प्रकट लीलाएं जो जिस जिस प्रकार से होती रहती हैं प्रकट हो जाती हैं अर्थात दिखलाई पड़ने लगती हैं। जैसे सुजान साधक अपनी साधना को सिद्ध करने के लिए नेत्रों में सिद्धांजन को लगाकर वन और पृथ्वी तल के
अनेक आश्चर्य देखते हैं। ऐसे ही जो गुरुदेव के चरणारविंदों की धूलि को हृदय के नेत्रों में लगाकर साधना करता है, उसे नाना प्रकार के कौतुक से भरी सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अभी अद्रिग दोष विभंजन, सही कर विमल विवेक विलोचन, बरनौ राम चरित भव मोचन, बंदौ प्रथम मही सुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना, सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊ प्रणाम सप्रेम सुबानी, साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विसद गुणमय फल जासु, जो सही दुख पर छेत्र दुरावा, बंदनीय जही जग जस पावा, मुद मंगलमय संत समाजु, जो जग जंगम तीरथ राजु, राम भक्ति जह सुर सरिधारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेधमय कलिमल हरनी, कर्म कथार अभिनंदनि बरनी, हरिहर कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी, पटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा, सबहि सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेशा, अकथ अलौकिक तीरथ राहु, देहि सद्य फल प्रगट प्रभाहु, सुनि समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, श्री गुरुदेव के चरणों की रज स्वच्छ नयनामृत अंजन के समान है और दृष्टि के दोषों का निवारण करने वाली है, अतः उसी से मैं अपने ज्ञान रूपी नेत्रों को स्वच्छ करके आवागमन से मुक्त करने वाले श्री रामचंद्र जी के पवित्र यश का वर्णन करता हूँ। इसके लिए सबसे पहले मैं सभी वर्णों में प्रथम ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो मोह जनित समस्त शंकाओं का समाधान करने वाले हैं, साथ ही सत्पुरुषों के उस समाज को भी जो सर्व गुणों की खानी है, मैं प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। यद्यपि सज्जनों का चरित्र कपास के समान नीरस अवश्य होता है, पर उसका फल बड़ा ही शुभकारी होता है, क्योंकि संत जन दुख सहकर भी पराये दोष को छिपाते हैं, इसी से वे हमारे लिए वंदनीय और संसार में यश पाने वाले होते हैं। उन संतों का समाज आनंदमय और सुखप्रद है, जो संसार में चलते फिरते तीर्थराज प्रयाग के समान पवित्र हैं, क्योंकि उनके मध्य में हर समय राम भक्ति रूपी गंगा की धारा बहा करती है और उनका वही ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी का प्रवाह है। उसमें विधि यानी ग्रहण करने योग्य और निषेध यानी त्याग करने योग्य जो कथा है, वही कलियुग के पापों का नाश करने वाली यमुना सहित त्रिवेणी का संगम है, जहाँ विष्णु भगवान और श्री महादेव जी की कथा केवल श्रवण मात्र से आनंद और मंगल देने वाली है, जहाँ अपने धर्म पर अटल रहना ही विश्वास रूपी अक्षय वट है, और जो तीर्थराज अच्छे कर्मों का ही एक समाज है, वह सबको सब दिन में और सब देशों में आदर सहित सेवन करने से कष्टों को शांत कर देता है। यह अलौकिक साधु समाज रूपी तीर्थराज सर्वदा ही प्रभावशाली रूप से प्रत्यक्ष फल प्रदान करने वाला है।